तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो आज के दिन बीपीएससी का जो पेपर हुआ है, जो प्री का पेपर हुआ है, 66वां जो बीपीएससी का पेपर हुआ है वो सेट सी का। हम लोग कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं? वो सेट सी का। सेट सी का टोटल 10 क्वेश्चन आया है, क्वांट का 10 क्वेश्चन, मैथ का आया है, वो सारा 200 का 200 अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 50 तक था ये आपका, यहाँ पे हम लोग ये चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत लोगों ने, मुझे जैसा कि उम्मीद है बहुत लोग, जितने लोग एग्जाम में अपियर होंगे मोस्टली लोगों ने 70 to 80, भी कहना सही नहीं है, 85 to 90% लोगों ने, या इवन 90%, 90+% लोगों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया होगा। पूछ रहा है इनमें से कौन सा जो है कैनॉट बी द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है। देखिए दोस्तों एक चीज समझिएगा, कभी भी ना किसी का स्क्वायर नंबर, कोई भी नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट जो आएगा वो यूनिट डिजिट, वो 2 नहीं आ सकता है। क्या नहीं आ सकता है? 2 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि किसी का स्क्वायर कीजिएगा तो यूनिट डिजिट 2 नहीं आएगा। तो पहला वाला ऑप्शन तो स्क्वायर है ही नहीं, ये वाला तो स्क्वायर है ही नहीं, और ये सब स्क्वायर पता नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर पहला वाला हमें पता चल गया कि स्क्वायर नहीं है। दूसरा लॉजिक इसका क्या है? अगर कोई भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर है आपका क्या है? इवन नंबर है। अगर ये स्क्वायर है तो इवन नंबर का स्क्वायर है तो कोई भी स्क्वायर होगा तो 2 से जाएगा। इवन नंबर है आपका तो किसका मल्टीपल होगा? 2 का। तो इवन का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, मतलब ये नंबर जो होगा वो 4 से डिविजुअल होना चाहिए। अगर इवन का स्क्वायर होगा तो 4 से 42, लास्ट का 2 डिजिट नहीं जा रहा है, तो ये वाला तो आपका स्क्वायर नहीं है। बाकी का रिमेनिंग ये जो 3 है हमें चेक करना पड़ेगा ये स्क्वायर है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन 1 है नन ऑफ द अबव, तो नन ऑफ द अबव तो कट गया, तो मोर देन वन ऑफ द अबव वाला एक जो ऑप्शन बच रहा है हमारे, इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा दोस्तों। तो बहुत सिंपल है, बहुत कुछ नहीं करना है। देखिए बस लास्ट का 2 डिजिट हटा दीजिए यहाँ से, तो 2 कितना बचा हमारे पास? तो बचा 265। इसके नियर अबाउट कितना होता है? 160 का 256 होता है, होता है। तो लास्ट में यहाँ 9 था, लास्ट में यहाँ कितना था? 9 था, तो ये आपका 3 में आना चाहिए, 3 का ये स्क्वायर ही 9 आएगा, तो ये आप चेक कर लीजिएगा 163 का स्क्वायर, यही पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं। ठीक है, फिर उसी प्रकार से ये 2 हटा देंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा हमारे पास? 309 बच जाएगा। 309 तो 17 का स्क्वायर होता है, इसके नियर अबाउट है, 18 का तो 384 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 के स्क्वायर के नज़दीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप चेक कर लीजिएगा 176, क्योंकि 6 का स्क्वायर 6, लास्ट में 6 आएगा तो 6 ही होना चाहिए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं किसी को? उसी प्रकार से लास्ट वाला भी आप लोग चेक कर सकते हैं, लास्ट वाला भी आप लोग क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, 285, लास्ट का आपने 61 हटा दिया तो कितना बचा? 285, अभी मैंने बताया 285 किसके स्क्वायर के नज़दीक है, तो आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं किसका। तो 170 से कम होगा, 160, 256 से ज़्यादा है, 256 से ज़्यादा है। ठीक है, लास्ट में 9 बना है तो 17 का स्क्वायर होता है यहाँ पे, तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 169 का स्क्वायर। पर इतना सारा चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं थी, सीधा हमें ऑप्शन क्या टिक कर देना था? बी टिक कर देना था, क्योंकि हमें पता था यूनिट डिजिट किसी का 2 नहीं होगा, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 2 नहीं होता है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका यूनिट डिजिट 2 नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोग बहुत आसानी से टिक कर सकते थे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, बहुत आसान था ये, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होता है जिसका यूनिट डिजिट 2 नहीं आता है, परफेक्ट स्क्वायर जिसका यूनिट डिजिट 2 नहीं आता है, यूनिट डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर कांट बी टू, 2 नहीं हो सकता है, तो ये 2 वाला ऑप्शन खत्म हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है दोस्तों। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? बी, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, लास्ट 2 डिजिट की अगर बात करें तो लास्ट 2 डिजिट वही होता है जो 1 से 24 तक के स्क्वायर का लास्ट का 2 डिजिट होता है, 1 से 24 तक के स्क्वायर का लास्ट का 2 डिजिट होता है, वही दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है उसका लास्ट का 2 डिजिट वही होता है, और कोई 2 डिजिट नहीं होता है। आप लोग चेक करेंगे, देखिए 69 13 में भी आता है आपका, 169, समझ रहे हैं, 176, यहाँ 76 है, 76 आपको पता है किसी ना किसी 576 स्क्वायर आता है। क्लियर है? तो लास्ट का 2 डिजिट वही होता है जो वो 1 से 24 तक के स्क्वायर के लास्ट का 2 डिजिट होता है, उतने में ही सारा आ जाता है। चलिए आगे चले हम लोग, 41 के बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 42। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा कैलकुलेशन देख के लोग घबरा गए हैं। अब देखिए कुछ नहीं है, मुझे देखिए ये हम चेक करते हैं बस यूनिट डिजिट, हम यहां क्या चेक करते हैं? सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करते हैं,
तो देखिए 217x प्लस का 131y इज इक्वल टू 913, मतलब हम यूनिट डिजिट चेक करेंगे तो 7x प्लस का y इज इक्वल टू यूनिट डिजिट 3 आना चाहिए, तो x की जगह 5 रखते हैं तो 35, 35 प्लस y की जगह 7 रखते हैं इज इक्वल टू 7 5 12, 2 आएगा, 3 आ रहा है नहीं, ठीक। देखिए माइनस वाला तो होगा नहीं क्योंकि माइनस माइनस हो गया तो प्लस नहीं बनेगा, माइनस ही बनेगा, ठीक। फिर ये दो वाला चेक कर लेते हैं, लास्ट वाला ऑप्शन नंबर डी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 × 14 = 4 और ये 7 5 4 9 9 आ रहा है, ये 3 आ रहा है नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मतलब एक ही ऑप्शन बच रहा है जो यहाँ पे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं इसी को आंसर मान के चेक कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करा लेते हैं जल्दी से। तो देखिए हम लोग क्या आंसर आंसर इसको मान लेते हैं क्योंकि ये भी खत्म हो गया, 3 मानते हैं, तो ये 217 × 3 17 51 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 651 हो जाएगा, और ये 2 तो 13 × 2 = 26 और ये 2 हो गया, तो 2 1 3 6 5 11 6 2 8 1 9 9 13 आ गया, सेटिस्फाई कर गया। फिर इस वाले इक्वेशन में सेटिस्फाई कर लेते हैं, 131 × 3 तो 3 13 39, 217 17 × 34 और 2 × 4 हो जाएगा, तो 4 3 7 9 3 12 4 3 7 1 8 827 सेटिस्फाई कर गया, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 3 और 2, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा, यूनिट डिजिट बस हमने चेक किया और कुछ नहीं किया, हमने बस यूनिट डिजिट चेक किया, 3 ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं किया, 4th सेटिस्फाई कर दिया, फिर हमने पूरा ही चेक कर दिया उसको, ठीक। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये, हम फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसमें कितना हो जाता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक बार इन दोनों को प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएगी कट जाएगी, तो क्या बचेगा 2 × 5 = 98 बचेगा, और उसी प्रकार से एक बार माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2 × 4 = 79 बचेगा, माइनस करेंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाला कट जाएगा ये बचेगा, क्लियर है, एक बार माइनस करेंगे तो, समझ गए। और नीचे आपका वही आ गया 598 × 479, तो ये 479 598 कट गया, 2 × 4 आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। बहुत सिंपल था, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना था, कुछ लोग क्या करेंगे इसको ओपन करेंगे फिर उसको ओपन करेंगे, नहीं उतने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक, वैसे भी कर सकते हैं पर उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए 5% 5% की वैल्यू कितनी होती है 1/20, 5% की वैल्यू 1/20, ध्यान रखिएगा नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू होता है और ऊपर जो भी चेंज होता है, ठीक है, तो इंक्रीज कर रहा है, तो 20 था ओरिजिनली जो पॉपुलेशन था वो कितना था, तो यहाँ पे ओरिजिनली पॉपुलेशन 20 था, 1 से बढ़ गया तो कितना हो गया 21 हो गया, कितने साल बढ़ा है 2 साल बढ़ा है, फिर 20 था 1 से बढ़ गया तो कितना हो गया 21 हो गया, मतलब कंप्लीटली 2 साल में कितना हो गया 400 था, 400 से कितना हो गया 21 का स्क्वायर 441 हो गया, और 400 की जगह वैल्यू आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 176400, 400 का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो 441 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, यही तो इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये देखिए 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये देखिए इसका स्क्वायर होता है ये आपका, आपको पता है 4 से काटिएगा तो कितना टाइम 441 × 441 टाइम्स है, तो ये भी इंटू कितना हो जाएगा 441, मतलब हमको क्या करना है 441 का स्क्वायर निकाल देना, 441 का स्क्वायर निकाल देना, बहुत सिंपल है, आप लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, क्लियर है। अगर लास्ट वाला ऑप्शन ये मोर देन नन ऑफ द अबव या मोर देन वन तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, 400 का स्क्वायर कर देते आप कितना हो जाता 16 कर देते, फिर 40 का स्क्वायर यहाँ पे निकाल देते 16 फिर 1 का, वैसे भी कर सकते थे पर मेरी राय यही रहेगी कि सीधे 441 यहाँ लिखना है, 441 यहाँ लिखना है, मल्टीप्लाई कर देना, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा टाइम लगना नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए इस क्वेश्चन का मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, ये तो मैंने रेशियो पे बताया। देखिए दूसरा तरीका क्या, 5% से बढ़ने के बाद 105 हो जाएगा, तो 176400 5 से बढ़ने के बाद 105% हो जाएगा, पहले साल 105% हो गया, फिर इसका फिर 1 साल बाद फिर 105% हो जाएगा, मतलब यहाँ से हमको बात सीधे पता चल गई, तो कितना 176400 × 105/21/20 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 21/20, इसी को सॉल्व कर देना है तो कितना जाएगा 194481, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। मूविंग टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चला जाए, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जब भी ऐसा है हमें क्या लेते चलना है डिफरेंस लेते चलना है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है 14, यहाँ कितना हो जाएगा 30, यहाँ कितना हो जाएगा 52,
इधर का डिफरेंस हमको नहीं पता, इधर का भी नहीं पता, यहाँ का हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं, तो 4 और 1 5 154 हो जाएगा। हमको पैटर्न नहीं पता चला तो एक बड़ा और डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है, डबल डिफरेंस बोलते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं कंप्यूटर जी, तो ये आपका हो जाएगा कितना 16, ये आपका हो गया 22, तो ये 16 + 6 = 22, तो 22 + 6 कितना हो जाएगा तो 28, तो 52 + 28 कितना हो जाएगा 80, 100 में 80 जोड़ेंगे तो ये 180, ठीक है, और 80 28, अब यहाँ पे देखिए 180 आ चुका है। फिर इसके आगे हम लोग चेक कर लेते हैं, तो 28 + 6 कितना हो जाएगा 34, तो 80 + 34 कितना हो गया 114, फिर 34 + 6 कितना हो जाएगा 40, तो 140 + 154 सेटिस्फाई कर गया, सही है, तो 180 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये तो सबने बना दिया होगा, ये क्वेश्चन तो सबने बना दिया होगा, ठीक। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलत किया होगा, रॉन्ग टिक किया होगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ इस क्वेश्चन को बहुत लोगों ने गलत किया होगा, बहुत लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया होगा, जिन लोगों ने बनाया होगा उनको गलत किया होगा, जो लोग छोड़ दिए होंगे तो खैर उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला लगना है एन सी आर इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, ठीक, यही वाला फॉर्मूला लगना है, ठीक। पर ये फॉर्मूला लगा के हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, पर यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान देनी चाहिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि एन जो होता है वो ग्रेटर इक्वल टू आर होता है, एन या तो आर से बराबर होता है या आर से बड़ा होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन नंबर वन इज नॉट पॉसिबल, ऑप्शन नंबर वन पॉसिबल नहीं है, तो बाई ऑप्शन हम लोग 6 चेक कर लेते हैं, तो 6 × 12 C3 रेशियो लेना है 6 C3, यही रेशियो हम अगर 44/3 के आ गया तो सही है, नहीं आया तो हम लोग क्या चेक करेंगे, अगला टर्म चेक करेंगे 11 वाला, ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 12 अपन का फैक्टोरियल 3 है, 12 - 3 = 9, रेशियो फैक्टोरियल 6 और ये सॉरी 2 है, यहाँ पे कितना है 2 है, और 6 - 4 हो जाएगा इंटू फैक्टोरियल 2, तो 9 से 9 तक कट जाएगा तो कितना बचेगा आपका 12 × 11 × 10 बचेगा इंटू फैक्टोरियल 9, देखिए कैसे हमने किया, तो 12 × 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा 3 फैक्टोरियल, ऐसे हमने सॉल्व किया, तो यहाँ से सीधा 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई 3 × 2 × 1, ये रेशियो 6 से 4 तक चल जाएगा, तो 6 × 5 और यहाँ हो जाएगा 2 × 1, 2 × 1 2 × 1 कैंसिल हो गया, 3 से ये कट गया आपका कितने बार में 4 टाइम्स में, और 5 से कट गया ये कितने बार में 2 बार में, और 2 से कट गया ये 3 बार में, तो 44:3 आ गया, सेटिस्फाई कर गया, सेटिस्फाई कर गया, मतलब आंसर कितना हो गया 6, और ये यूनिक सॉल्यूशन ही देगा, 2 सॉल्यूशन इन का मल्टीपल वैल्यूज नहीं आ सकता, एक ही आएगा, तो 6 जब आ चुका है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो इन का मान कितना हो जाएगा, तो एन इज इक्वल टू 6 आंसर, समझ आ गया। बाकी आप लोग इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार बेसिक इक्वेशन बना के बता देता हूँ, कुछ लोग कहें कि सर वो कैसे होगा, तो मैं एक बार बेसिक इक्वेशन बना देता हूँ आप लोगों के लिए, बहुत टफ नहीं है सॉल्व करना, वो भी हो जाएगा, आप लोग कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 2n अपॉन का फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल का 2n - 3, ये रेशियो लेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल का 2, ये हो जाएगा 44:3, ये वापस से कट जाएगा तो 2n बचेगा, फिर 2n - 1 बचेगा और 2n - 2 बचेगा, 3 वाला तो कट ही जाएगा, अपॉन फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 हो जाएगी, ये रेशियो ले लेंगे तो फैक्टोरियल एन को ये करेंगे एन इंटू एन माइनस वन, फिर एन माइनस टू से कट जाएगा और ये 2, ये आपका रेशियो हो जाएगा 44:3, यही इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, एन से एन कट जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चले, पर हमारा उद्देश्य वो नहीं है, एग्जाम में ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएगा, इतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास, इससे बेटर है कि आप छोड़ ही दें, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, बहुत आसान क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में ना बहुत लोगों ने तो नहीं कह सकते, लेकिन 50% लोगों ने इस क्वेश्चन को रॉन्ग किया होगा, रॉन्ग या स्किप कर दिया होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझिएगा, जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ भी हम लोग बोलते हैं एक्स नंबर है, एक्स नंबर का एवरेज बराबर वाई है, तो सम कितना होता है दोनों का, सम हम क्या बोल सकते हैं x इंटू वाई, क्या ये बात समझ पा रहे हैं, x नंबर है एवरेज y है, तो सम कितना हो जाएगा x इंटू वाई, ठीक, यही कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग करेंगे। तो देखिए टोटल सम हम लोग निकाल देते हैं, तो पहला यहाँ पे जो सम बनेगा m नंबर से, औसत कितना एन स्क्वायर, तो m इंटू एन स्क्वायर सम हो जाएगा, एक सम इधर से आएगा, फिर दूसरे वाले से सम कितना आएगा, एन नंबर है एम स्क्वायर है, तो एन इंटू एम स्क्वायर,
ये टोटल सम हमारे पास मिला, और ये जो सम मिला वो कितने नंबर का मिला, एम प्लस एन नंबर का। तो टोटल सम अपॉन नंबर, यही तो हमारा एवरेज होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज जो हमको निकालना है। तो यहाँ से एम और एन कॉमन ले लेते हैं, तो इधर कितना बचा एन और इधर कितना बचा एम, और डिवाइडेड बाई नीचे भी एम प्लस एन, तो एम प्लस एन, एम प्लस एन कट गया, बचा कितना एम इंटू एन। तो आंसर कितना आ गया आपका, एम इंटू एन, ऑप्शन नंबर कितना आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। इस क्वेश्चन को बहुत लोगों ने, इसको भी रॉन्ग किया होगा, 50% स्टूडेंट ने इसको भी क्या किया होगा, रॉन्ग किया होगा, या कुछ लोगों ने तो देखकर ही स्किप कर दिया होगा। देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के पीछे, बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के पीछे। चलिए तो पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग थ्री सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, क्लियर है, तीन सर्किल हमने ड्रॉ कर लिया। चलिए अब समझते हैं हम लोग तीनों सर्किल को धीरे धीरे। कंप्यूटर जी आपने दो सर्किल हटा दिया है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से आप सर्किल को बना दीजिए। अब सही है, गुड। चलिए कंप्यूटर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अब नहीं हटाना। ठीक है तो देखिए समझते हैं इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से। इसको ले लेते हैं बास्केटबॉल, ये वाले को ले लेते हैं बास्केटबॉल, इसको ले लेते हैं हॉकी, और ये आपका हो जाएगा फुटबॉल। 21 बास्केटबॉल, बास्केटबॉल खेलने वाले कितने हैं, 21, 26 हॉकी है और 29 फुटबॉल है। 14 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, 14 जो है वो हॉकी एंड बास्केटबॉल में, मतलब ये दोनों मिला के कितने हैं, 14 है। ठीक, और 12 प्ले हॉकी और बास्केटबॉल, हॉकी प्लस बास्केटबॉल 14 है। ठीक, 12 प्ले फुटबॉल एंड बेसबॉल, फुटबॉल और कहाँ गया बेसबॉल, फुटबॉल और बेसबॉल के लिए कितने हैं, 12 है। 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल के लिए 15। देखिए इस 15 में ये दोनों है, इस 14 में दोनों है, 12 में ये दोनों है, और 8 जो है ऑल द थ्री गेम्स खेलते हैं, 8 जो है वो ऑल द थ्री गेम्स खेलते हैं। अब देखिए बहुत आसानी से, ये टोटल मिला के 14 था, ये 8 है, तो ये अंदर वाली सिर्फ ये वाली वैल्यू, सिर्फ ये वाली वैल्यू 6 हो जाएगी, क्लियर है। उसी प्रकार से ये टोटल वैल्यू कितना था, टोटल 12 था, ये 8 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू सिर्फ ये वाली वैल्यू आप लोग बोलिएगा तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक, उसी प्रकार से ध्यान से देखिए, ये टोटल वैल्यू 15 था, ये 8 हो गया, तो ये वाली वैल्यू 7 हो जाएगी, सिर्फ ये वाली वैल्यू। ठीक, तो ये यहाँ से यहाँ 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, तो 8, 7, 15, 4, 19, ये इतना जो वैल्यू है ये 19 हो गया, 19 और प्लस 10 तभी तो 29 होगा, तो ओनली फुटबॉल कितने हो गए, 10, ये जो बचा वो 10 हो गया। देखिए एक बार फिर से मैं बताता हूँ, यहाँ से 4 निकल गया, यहाँ से 8 निकला और यहाँ से 7 निकला, टोटल 19 निकल गया, तो ये 10 बचा, तभी तो 29 हो जाएगा। तो ओनली फुटबॉल पूछा है, हाउ मेनी प्लेयर ओनली फुटबॉल, तो ओनली फुटबॉल कितने हो जाएंगे, 10। सिंपल था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। चलिए उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, नहीं आया तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में इसको। देखिए सिंपल क्वेश्चन है टाइम एनवर्ड का, मोहन किसी काम को 25 दिन में करता है और सोहन 20 दिन में करता है, ये हमारा टाइम है। तो एक कॉमन वर्क मान लेते हैं हम लोग, कॉमन वर्क इन दोनों का एलसीएम और 100, कोई भी नंबर ले सकते हैं हम लोग 100। तो इसकी जो इफिशियंसी हो जाएगी वो, इसकी इफिशियंसी 4 हो जाएगी और इसकी जो इफिशियंसी हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। इफिशियंसी क्या होता है, 1 डे वर्क, एक दिन में कितना काम करते हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 और 4, 9 काम करते हैं, और दोनों मिलकर कितना दिन काम किए, बोथ टुगेदर वर्क फॉर 5 डेज, 5 दिन, एक दिन में 9 काम किए, 5 दिन में तो 9 × 5, 45 काम करेंगे, 100 काम में से ये लोग 45 काम कर चुके, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 55 काम। अब देखिए मोहन तो छोड़ के चला गया, मोहन छोड़ के चला गया है, तो सोहन अकेला करेगा, तो सोहन एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम, और 55 काम करना है, तो सोहन कितना दिन लेगा, 55 काम एक दिन में 5 काम करता है, तो सोहन कितना दिन लेगा, 11 डेज लेगा,
55 काम करना है और एक दिन में 5 काम करता है, तो 5 5 5 5 5 5 मिला के 11 दिन काम करेगा तब जाके काम पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, है तो ऐसे क्वांट का ही क्वेश्चन लेकिन रीजनिंग में आप लोग पढ़ते हैं। चलिए कोई नहीं, बहुत सिंपल है। देखिए ना कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या, अगर पूरे सर्किल को हम रोटेट करते हैं दोस्तों तो कितने का कितना आवर बनता है, तो 12 आवर बनता है, और एंगल कितना था 360 डिग्री, तो 12 आवर में 360 डिग्री, तो एक घंटा में कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 30 डिग्री। एक घंटा में कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, तो एक घंटा का मतलब कितना 60 मिनट, 60 मिनट में कितना 30 डिग्री, 60 मिनट में कितना 30 डिग्री। क्लियर है, तो 2 मिनट में, 2 मिनट में 1 डिग्री हो जाएगा, यही कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। ठीक, तो 12 बजे से लेके 5:10, 12 बजे से लेके हमको कितना निकालना है 5:10, मतलब कितना आवर होगा, तो 5 आवर 10 मिनट्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 आवर 10 मिनट्स, तो एक घंटा में 30 डिग्री, तो 5 घंटा में 150 डिग्री हो जाएगा, तो 150 डिग्री कितने में 5 आवर में। ठीक, और 2 मिनट में 1 डिग्री, तो 5 × 10, 10 मिनट में 5 डिग्री हो जाएगा, 5 डिग्री कितने में 10 मिनट में, तो टोटल 155 डिग्री में कितना 5 आवर 10 मिनट हो जाएगा, तो आंसर कितना 155। ऑप्शन नंबर सी, ये 5 आवर 10 मिनट। बस यूनिटी मेथड था और कुछ नहीं था, कोई फॉर्मूला किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, यूनिटी मेथड से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। एक बार हम लोग मिला लेते हैं, 50 का आंसर सी था 155 डिग्री, इसका आंसर बी था 11 डेज, रिमेनिंग वर्क पूछा है, टोटल पूछता डेज तो 11 ये लगता और 5, 11 और 5 कितना हो जाता 16, पर सिर्फ रिमेनिंग पूछा था, आंसर कितना हो जाएगा 11, तो इसका ऑप्शन बी 11 डेज। इसका ऑप्शन नंबर ए 10 डेज, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी m(n), इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया था 6, ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर जी इसको टिक कर दीजिए जरा, 46 का बी 6, आंसर कितना आया था 6। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास 45 का सी 180 आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था 44 का ए, 44 का कितना है ए 194481, उसके बाद 43 का भी ए 4, 42 का बी 3:2, 44 का कितना आंसर है बी 3:2। एक बार मैं ठीक से टिक कर देता हूँ, जो लोग मिलाना चाहते हैं वो मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा 41 का आंसर कितना आ जाएगा, तो बी 41 का कितना आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, यूनिट डिजिट 2 नहीं पॉसिबल है। ठीक, यहीं से समाप्त करते हैं। यूनिट डिजिट किसी भी स्क्वायर का 2 नहीं होता है, और लास्ट 2 डिजिट वही होता है जो 1 से 14 तक का स्क्वायर होता है, किसी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 2 नहीं हो सकता है, यही कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने आज इस क्वेश्चन को देखा था। 2 क्वेश्चन हमने यूनिट डिजिट के आधार पर देखे, आपका नंबर सिस्टम में आता है। चलिए फिर दोस्तों इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरे तक भी वीडियो पहुँचे ताकि उनको भी लाभ हो सके, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, शुक्रिया दोस्तों, चलिए धन्यवाद आप लोगों का।